Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tech Guru. Please click on the like, share and subscribe button. So welcome back. आज के session में हम सीखेंगे Amazon EC2 Instance Store के बारे में. इस वीडियो का एजेंडा है इंस्टांस स्टोर के बारे में जानना, इंस्टांस स्टोर लाइफ टाइम के बारे में जानना, इंस्टांस स्टोर वॉल्यूम्स के बारे में जानना, और हम जानेंगे अमेज़न EBS और अमेज़न EC2 इंस्टांस स्टोर के अंदर डिफरेंस. जब हम रूट डिवाइस यानी कि एक इंस्टांस को क्रिएट करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं. एक होता है EBS यानी कि इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, और सेकेंड ऑप्शन होता है इंस्टांस स्टोर. इसी इंस्टांस स्टोर के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे. इंस्टांस स्टोर को बोला जाता है इफिमरल. इंस्टांस स्टोर प्रोवाइड करता है हमें टेम्परेरी ब्लॉक लेवल स्टोरेज. ब्लॉक लेवल स्टोरेज का मतलब होता है आपको कुछ हार्ड ड्राइव्स प्रोवाइड करता है आपके सिस्टम में. बाय डिफ़ॉल्ट जब हम एक इंस्टांस स्टोर का यूज़ करके एक इंस्टांस को क्रिएट करेंगे तो उसी इंस्टांस के अंदर ही आपको अवेलेबल होंगी आपकी टेम्परेरी स्टोरेज. उसी टेम्परेरी स्टोरेज को बोला जाता है इंस्टांस स्टोर. जब हम अपने सिस्टम में एक इंस्टांस को क्रिएट करते हैं, मान लीजिए आपने एक इंस्टांस को क्रिएट किया, बाय डिफ़ॉल्ट ये इंस्टांस होता है आपका EBS यानी कि इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज. इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज के अंदर आप इस हार्ड ड्राइव को प्रोटेक्ट भी कर सकते हो. मान लीजिए कि आप इस हार्ड ड्राइव को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं ताकि जब आप अपने इंस्टांस को टर्मिनेट करें तो ये आपका जो रूट वॉल्यूम है जो कि EBS है ये परसिस्ट रहे. परसिस्ट का मतलब होता है कि वो सेफ रहे, तो ऐसा आप कर सकते हैं. लेकिन जब आप एक इंस्टांस स्टोर का यूज़ करके एक इंस्टांस को क्रिएट करोगे तो इसी इंस्टांस के अंदर आपको अवेलेबल होंगी आपकी इंस्टांस स्टोर की हार्ड ड्राइव्स. इस इंस्टांस स्टोर की हार्ड ड्राइव्स के अंदर आप अपने टेम्परेरी डाटा को सेव कर सकते हो. इसको मोस्टली यूज़ करते हैं हमारे डेवलपर्स. डेवलपर्स अगर इस हार्ड ड्राइव के अंदर कुछ डाटा को सेव करना चाहें, कुछ टेस्टिंग करना चाहें, तो डाटा इसके अंदर सेव कर सकते हैं. इन हार्ड ड्राइव्स के अंदर डाटा जो है वो आपका रहता है टेम्परेरी. जब आप अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे तो ये डाटा आपका रहेगा परसिस्ट. परसिस्ट का मतलब होता है कि वो डाटा रहेगा आपका सेव. लेकिन जैसे ही आप अपने इंस्टांस को पावर ऑफ करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपके इन हार्ड ड्राइव्स को यानी कि आपका जो पूरा इंस्टांस हो जाएगा ये अपने आप ही हो जाएगा टर्मिनेट. जबकि EBS के अंदर आपको इंस्टांस को मैन्युअली टर्मिनेट करना पड़ता है. आप उसे पावर ऑफ करने के बाद पावर ऑन भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा आपको इंस्टांस स्टोर में ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा. अगर आपने अपने इंस्टांस को पावर ऑफ किया तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा टर्मिनेट. इंस्टांस स्टोर को टेम्परेरी डाटा रेप्लिकेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है, जहाँ पे आप अपने डाटा को रेप्लिकेट करवाना चाहते हैं. जैसे कि आप इसे लोड बैलेंसर पूल में वेब सर्वर्स के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं. इंस्टांस स्टोर के अंदर आपको एक से अधिक मल्टीपल इंस्टांस स्टोर वॉल्यूम्स अवेलेबल होंगी जिनको बोला जाता है ब्लॉक डिवाइसेस. इंस्टांस स्टोर के अंदर जो भी आपकी हार्ड ड्राइव्स अवेलेबल होंगी वो आपकी इंस्टांस टू इंस्टांस वेरी करेंगी. यानी कि किसी इंस्टांस में आपको दो हार्ड ड्राइव्स भी मिल सकती हैं
और किसी इंस्टांस में आपको 4 हार्ड ड्राइव्स भी मिल सकती हैं। वर्चुअल डिवाइसेस जो आपको इंस्टांस स्टोर में अवेलेबल होंगी उनको बोलते हैं इफिमरल। ये हो सकती हैं आपकी 0 से लेके 23 तक। अगर आपका इंस्टांस टाइप सिर्फ एक इंस्टांस स्टोर वॉल्यूम को सपोर्ट करता है तो उस इंस्टांस स्टोर को हम बोलते हैं इफिमरल 0। अगर आपका इंस्टांस के अंदर 2 हार्ड ड्राइव्स यानी कि 2 इंस्टांस स्टोर वॉल्यूम अवेलेबल हैं तो वो होंगे आपके इफिमरल 0 एंड इफिमरल 1। आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपके इंस्टांस स्टोर के अंदर आपको कितने वॉल्यूम अवेलेबल हों, लेकिन सिर्फ जब आप इंस्टांस को लॉन्च करेंगे। अगर आपने इंस्टांस को लॉन्च कर दिया तो आप उसमें से अपने वॉल्यूम्स को यानी कि अपनी हार्ड ड्राइव्स को रिमूव नहीं कर सकते और ना ही आप उसे एक इंस्टांस से रिमूव करके यानी कि डीअटैच करके उसे दूसरे इंस्टांस में अटैच कर पाएंगे। इंस्टांस स्टोर के अंदर आपका जो डाटा होगा वो परसिस्ट रहेगा। परसिस्ट का मतलब होता है सेव रहेगा तब तक जब तक उसका लाइफ टाइम रहेगा। लाइफ टाइम यानी कि जब तक वो चलता रहेगा। अगर आपने अपने इंस्टांस को रिबूट किया जानबूझ के या बाय चांस अगर वो रिबूट हो जाता है तो आपका जो इंस्टांस स्टोर होगा वो रहेगा परसिस्ट। लेकिन इन कंडीशंस में आपका जो इंस्टांस स्टोर होगा वो सेव नहीं रहेगा। फर्स्ट, अगर आपकी हार्ड डिस्क फेल हो जाती है तो आपका डाटा ऑटोमेटिकली फ्लश हो जाएगा। सेकंड, अगर आपने इंस्टांस को स्टॉप किया यानी कि पावर ऑफ किया, अगर आपने इंस्टांस को हाइबरनेट किया या अगर आपने अपने इंस्टांस को टर्मिनेट किया, यानी कि इन चारों कंडीशंस में आपको आपका डाटा रिट्रीव नहीं हो सकता। रिट्रीव आपको उसी कंडीशन में होगा अगर आपने इंस्टांस को सिर्फ रीबूट किया। आप अपने इंस्टांस के अंदर कोई भी अपना इम्पोर्टेंट डाटा एक लंबे समय तक नहीं रख सकते। जैसा कि आप अपने डाटा स्टोरेज के अंदर कर सकते हैं, यानी कि अगर आप अमेज़ॉन S3 सर्विस का यूज़ करें, अमेज़ॉन इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज का यूज़ करें या अमेज़ॉन EFS का यूज़ करें तो आप अपने डाटा को ज़्यादा देर तक और लंबे समय तक अपने क्लाउड पर सेव रख सकते हैं। लेकिन इंस्टांस स्टोर ऐसा आपको करने की परमिशन नहीं देता। जब आप अपने इंस्टांस को स्टॉप हाइबरनेट या टर्मिनेट करेंगे तो आपका इंस्टांस स्टोरेज हो जाएगा रीसेट, यानी कि वो सारा हो जाएगा 0। इस कारण हम अपने डाटा को एक्सेस नहीं कर सकते अपने इंस्टांस स्टोर का यूज़ करके। इंस्टांस स्टोर वॉल्यूम्स, इंस्टांस टाइप जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको साइज अवेलेबल होगा आपके इंस्टांस स्टोर का। यानी कि जैसा आपने इंस्टांस सिलेक्ट किया यानी कि क्रिएट किया उसी के अकॉर्डिंग आपको मिलेंगी आपकी ब्लॉक डिवाइसेस यानी कि इंस्टांस स्टोर की हार्ड ड्राइव्स। ये AWS की पेड सर्विस है। जितने वॉल्यूम्स आप ज़्यादा यूज़ करेंगे आपके इंस्टांस की कॉस्ट उतनी ही ज़्यादा रहेगी। जब आप अपने इंस्टांस को क्रिएट करेंगे तो आपको स्पेसिफाई करना होगा इंस्टांस स्टोर वॉल्यूम्स को कि आपको कितने वॉल्यूम्स चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट आपको NVMe यानी कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी इंस्टांस वॉल्यूम मिलेंगे जो होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन जब आप अपने इंस्टांस स्टोर के अंदर डाटा को सेव करना चाहेंगे तो आपको उसे पहले करना होगा फॉर्मेट और उसे करेंगे माउंट। जब तक आप उसे फॉर्मेट और माउंट नहीं करते आप उसके अंदर डाटा को सेव नहीं कर पाएंगे। कुछ इंस्टांसेस आपके यूज़ करते हैं NVMe टाइप हार्ड ड्राइव को, कुछ यूज़ करेंगे आपके SSD ड्राइव्स को यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव को। SSD के अंदर होते हैं IOPS, इस करके आपको उसके अंदर परफॉर्मेंस ज़्यादा मिलेगी लेकिन आप उसके अंदर डाटा को ज़्यादा देर तक सेव नहीं कर पाएंगे। कुछ हार्ड ड्राइव्स के अंदर यानी कि आपकी NVMe इंस्टांस स्टोर और कुछ हार्ड ड्राइव्स के अंदर आपके इंस्टांस स्टोर बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं इनक्रिप्टेड। अब इसको एग्जांपल के साथ समझिए। यहाँ पर मैंने एक पिक्चर ली है अमेज़ॉन EBS की। इस EBS के अंदर आपको मिलता है EC2 इंस्टांस। इस इंस्टांस के अंदर आप अपनी हार्ड ड्राइव्स को अटैच कर सकते हैं, यानी कि आपके पास होगा एक होस्ट कंप्यूटर। होस्ट कंप्यूटर यानी कि आपका इंस्टांस,
उस इंस्टांस के अंदर आप अपनी मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स को ऐड कर सकते हैं। लेकिन जब आप यूज़ करते हैं अमेज़न EC2 इंस्टांस स्टोर का, तो जब आप अपने इंस्टांस को क्रिएट करोगे तो उसी के अंदर आपको अवेलेबल होंगी आपकी इंस्टांस स्टोरेज। अब इसे हम प्रैक्टिकली समझते हैं, अमेज़न EC2 इंस्टांस स्टोर हमें कहाँ से मिलेगा और उसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने डाटा को सेव करने के लिए टेम्परेरी। प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ विंडोज 10 कंप्यूटर का। विंडोज 10 कंप्यूटर में सबसे पहले हमें लॉगिन करना होगा अपने रूट यूज़र अकाउंट से, तो उसके लिए मैं ओपन करता हूँ गूगल क्रोम ब्राउज़र को। ब्राउज़र ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना होगा AWS कंसोल लॉगिन, सर्च किया, देन हम क्लिक करेंगे अमेज़न वेब सर्विसेज साइन इन ऑप्शन पर। AWS का कंसोल होम पेज ओपन हो गया। ओपन होने के बाद हम यहाँ पर एंटर करेंगे अपने रूट यूज़र का मेल एड्रेस, तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ अपना मेल एड्रेस। मेल एड्रेस टाइप करने के बाद आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन पर। यहाँ पर आपको एंटर करना होगा आपका पासवर्ड, तो मैं पासवर्ड यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। साइन इन, साइन इन पर क्लिक करने के बाद मेरे सामने ये AWS का मार्केट प्लेस हो गया ओपन, लेकिन मुझे जाना है कंसोल पेज पर, तो उसके लिए मैं जाऊँगा इस नेम पर, क्लिक किया, क्लिक करेंगे योर AWS कंसोल ऑप्शन पर। AWS का कंसोल होम पेज ओपन हो गया। अभी मैं हूँ यहाँ पर मुंबई रीजन में, आपको यहाँ से उस रीजन को सिलेक्ट करना होगा जहाँ पर भी आप इंस्टांस स्टोर को क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैं इसे डिफ़ॉल्ट लोकेशन पर रहने देता हूँ मुंबई रीजन में। इसके बाद हम जाएंगे EC2 सर्विस पर। EC2 का डैशबोर्ड ओपन हो गया। ओपन होने के बाद हमें जाना होगा इंस्टांसेस में, इंस्टांसेस ऑप्शन पर। इंस्टांस को क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे लॉन्च इंस्टांसेस ऑप्शन पर। यहाँ पर आपको एंटर करना होगा आपके इंस्टांस का नेम। मैं इंस्टांस का नेम देता हूँ इंस्टांस _ स्टोर, स्क्रॉल किया, देन आपको सेलेक्ट करना होगा AMI इमेज को। इमेज को सेलेक्ट करने में जाएंगे ब्राउज मोर AMI ऑप्शन पर। ऑप्शन पर जाने के बाद आपको यहाँ पर शो होंगी कुछ क्विक स्टार्ट AMI और आपकी कम्युनिटी AMI। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आपका रूट डिवाइस टाइप EBS, लेकिन मुझे इसे करना है इंस्टांस स्टोर, तो इंस्टांस स्टोर यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। आप कोई भी इमेज चेक करेंगे तो आपको सिर्फ ऑप्शन मिलेगा रूट डिवाइस टाइप EBS। इंस्टांस स्टोर के लिए आपको जाना होगा कम्युनिटी AMIs में, स्क्रॉल किया। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम में इमेजेस हैं लिनक्स और यूनिक्स। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, स्क्रॉल किया। यहाँ पर ऑप्शन है आपके सामने रूट डिवाइस टाइप, यहाँ से आप EBS भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आपको सिर्फ EBS के रूट डिवाइस टाइप शो होंगे। और अगर आप सिलेक्ट करते हैं इंस्टांस स्टोर, तो यहाँ पर आपको इंस्टांस स्टोर के रूट डिवाइस टाइप शो होंगे। तो मुझे चाहिए इंस्टांस स्टोर, तो मैं इसे यहाँ से करता हूँ सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको शो हो रहा है रूट डिवाइस टाइप इंस्टांस स्टोर, स्क्रॉल किया। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए कि आपको सिर्फ AWS की ही इमेजेस
यानी कि AMIs मिल रही हैं, इंस्टांस स्टोर आपको और कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड नहीं करता, यानी कि विंडोज़ में आपको इंस्टांस स्टोर नहीं मिलेगा, इंस्टांस स्टोर सिर्फ मिलता है आपको AWS की सेल्फ AMIs में। तो चलते हैं सबसे ऊपर, यहाँ पर आप किसी भी इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको हर एक इमेज के अंदर मिलेंगे आपके डिफरेंट नंबर ऑफ इंस्टांस स्टोर के वॉल्यूम्स। तो मैं ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ फर्स्ट इमेज को ही, जो कि मेरी है Amazon AMI मिनिमल HVM। तो इसको यहाँ से किया मैंने सिलेक्ट, अभी यहाँ पे आपको शो हो रहा है फ्री टीयर एलिजिबल, लेकिन ये सर्विस आपकी पेड सर्विस है, तो ये ऑप्शन अभी यहाँ से हो जाएगा रिमूव और यहाँ पर आ जाएगा आपका अनदर ऑप्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया आपके पास Amazon मशीन इमेज AMI, स्क्रॉल किया, रूट डिवाइस टाइप है आपका इंस्टांस स्टोर, स्क्रॉल किया, अब यहाँ पे आपको शो हो रहा है इंस्टांस टाइप, पहले था यहाँ पर फ्री टीयर, लेकिन अब है यहाँ पर D2.8XLarge, जिसके अंदर आपको अवेलेबल होंगे 36 वर्चुअल CPU और 244 GB की मेमोरी। ये आपकी पेड सर्विस है, इसके लिए आपको AWS को चार्ज देना होगा, स्क्रॉल किया, नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास की पेयर लॉगिन का, यहाँ पर आपको क्रिएट करना होगा की पेयर, तो क्लिक करते हैं क्रिएट की पेयर ऑप्शन पर, यहाँ पर हम एंटर करेंगे की पेयर का नेम, तो मैं की पेयर का नाम देता हूँ इंस्टांस, स्क्रॉल किया, प्राइवेट फाइल का फॉर्मेट .pem डिफॉल्ट रहने देंगे, क्लिक करेंगे क्रिएट की पेयर ऑप्शन पर, तो आपका की पेयर हो गया डाउनलोड, इसे यहां से कर देता हूं क्लोज। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास नेटवर्क सेटिंग्स का, इसको यहां से करते हैं एडिट, एडिट करने के बाद आपको यहां पर मिलेगा आपका डिफॉल्ट VPC, इसको हम रहने देंगे डिफॉल्ट। सबनेट के अंदर अगर आप सबनेट को चूज करना चाहें तो आप उसे चूज कर सकते हैं, तो मैं ऐसे सबनेट चूज करता हूं AP South 1A। अगर आप इसे सिलेक्ट नहीं करते तो डिफॉल्ट AWS अपने आप ही आपके इंस्टांस को एक सबनेट के अंदर क्रिएट कर देगा। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑटो असाइन पब्लिक IP, इसको हम रहने देंगे डिफॉल्ट इनेबल। इसी पब्लिक IP के जरिए आप अपने इंस्टांस को ग्लोबली कहीं से भी एक्सेस कर पाएंगे, स्क्रॉल किया। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास फायरवॉल सिक्योरिटी ग्रुप का, तो यहाँ से क्रिएट करेंगे सिक्योरिटी ग्रुप, सिक्योरिटी ग्रुप का मैं नाम देता हूँ SG IS इंस्टांस स्टोर, स्क्रॉल किया, आपको यहाँ पर सिक्योरिटी रूल में मिल रहा है पोर्ट नंबर 22, इसको भी रहने देंगे डिफॉल्ट, स्क्रॉल किया। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास कॉन्फ़िगर स्टोरेज का, इसके चलते हैं एडवांस ऑप्शन पर, स्क्रॉल किया, इंस्टांस स्टोर वॉल्यूम्स आपको शो डिटेल पर क्लिक करके मिल जाएंगे, तो मैं क्लिक करता हूँ शो डिटेल्स ऑप्शन पर, स्क्रॉल किया, तो इस कंडीशन में आपको इंस्टांस वॉल्यूम्स मिल रहे हैं 2048 GB के, यानी कि 2 TB का इफिमरल 0, इफिमरल 1, 2, 3, 4, 5, स्क्रॉल करते हैं, आपको यहाँ पर मिल रहे हैं 23 इफिमरल स्टोरेज डिस्क, तो टोटल होगी आपकी 24, फर्स्ट है आपकी 0 और लास्ट है आपकी 23, तो टोटल हो गए 24 आपके इंस्टांस टाइप के वॉल्यूम जिनका साइज है 2 TB, स्क्रॉल किया, फाइल सिस्टम में जाके देखते हैं फाइल सिस्टम कौन सा मिलेगा हमें, शो डिटेल पे क्लिक करा,
फाइल सिस्टम है आपके पास डिफॉल्ट ईएफएस, इसको हम रहने देंगे डिफॉल्ट। लास्ट में हमें क्लिक करना होगा लॉन्च इंस्टांस ऑप्शन पर। डिटेल पे क्लिक करके आप अपनी डिटेल इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। इंस्टांस आपका सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। एक्सेस करने के लिए हम क्लिक करेंगे इस इंस्टांस आईडी पर, सिलेक्ट करते हैं यहाँ से इंस्टांस को। इस इंस्टांस को क्रिएट होने में 5 से 10 मिनट का समय लग सकता है। तो यहाँ पर आपको मिला एक पब्लिक आईपी, इस पब्लिक आईपी के जरिए आप इस इंस्टांस को ग्लोबली कहीं से भी एक्सेस कर पाएंगे, और आपको मिला है एक प्राइवेट आईपी। जब आपको यहाँ पर स्टेटस चेक में ऑप्शन मिलेगा 2x2 चेक, आप तभी अपने इंस्टांस को कर पाएंगे एक्सेस। तब तक हम कर लेते हैं यहाँ पर वेट। तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया 2x2 चेक पास्ट, यानी कि मेरा इंस्टांस हो चुका है क्रिएट। अब हम इस इंस्टांस को करेंगे एक्सेस विद द हेल्प ऑफ पब्लिक आईपी। तो पब्लिक आईपी को मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, पब्लिक आईपी कॉपी हो गया। इसको यहाँ से करते हैं मिनिमाइज। मिनिमाइज करने के बाद आपको एक्सेस करने के लिए ओपन करना होगा कमांड प्रॉम्प्ट। तो प्रेस करता हूँ विंडो प्लस आर की। यहाँ पर हम टाइप करेंगे CMD, ओके पे क्लिक करा, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। ओपन होने के बाद आपको जाना होगा उस लोकेशन पर जहाँ पर आपकी पैम फाइल अवेलेबल है। पैम फाइल मेरी अवेलेबल है डाउनलोड्स नाम की डायरेक्टरी में। तो यहाँ पर आप कमांड टाइप करेंगे CD स्पेस डाउनलोड्स, एंटर किया, DIR। तो आपकी यहाँ पर जो पैम फाइल है उसका नाम है instance.pam। अब हम एक्सेस करते हैं अपनी EC2 इंस्टांस को विद द हेल्प ऑफ SSH। तो आपको यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट करनी होगी SSH स्पेस EC2 -user @ यहाँ पे आपको पेस्ट करना होगा आपका पब्लिक आईपी स्पेस -i। देन आप देंगे यहाँ पर फाइल का नेम instance.pam, एंटर प्रेस किया। यहाँ पर आपको टाइप करना होगा यस, एंटर किया, तो आपका इंस्टांस हो गया लॉगिन। लॉगिन होने के बाद हम जाएंगे रूट यूज़र पर। तो उसके लिए आप यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट करेंगे sudo स्पेस su, एंटर प्रेस किया, तो आप आगे यहाँ पर रूट यूज़र पर। कंट्रोल L की प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पर हम सबसे पहले कमांड एग्जीक्यूट करेंगे lsblk के। इस कमांड को एग्जीक्यूट करते ही आपके सामने आ जाएंगी लिस्ट ऑफ ब्लॉक डिवाइसेस, एंटर किया, तो आपके सामने आ गई सभी ब्लॉक डिवाइसेस XVDA A B C D से लेके XVDA XVDN V C D1 T एंड सो ऑन, जिनका साइज है अप्रोक्सीमेटली 1.8 टेराबाइट। तो मैं यहाँ से डिस्क यूज करूँगा एक XVDN का और एक XVDV का। तो उसके लिए आपको पहले इस ड्राइव्स को करना होगा फॉर्मेट। फॉर्मेट करने के लिए हम यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट करेंगे MKFS, टैब की मैंने प्रेस की 2 टाइम। तो ये आ गया आपके सामने इस लिनक्स के फाइल सिस्टम, जो है EXT4, EXT3, EXT2, CRAMFS, MKFS और MiniX। मैं यहाँ से यूज़ करूँगा EXT4 फाइल सिस्टम का। तो यहाँ पे टाइप करता हूँ MKFS.EXT4 space /dev/XVDN, एंटर किया, तो ये आपका हार्ड ड्राइव हो गया फॉर्मेट। एक और हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ MKFS कमांड, MKFS.EXT4 /dev/XVDV
एंटर किया, ये ड्राइव भी आपका हो गया फॉर्मेट। फॉर्मेट करने के बाद आपको इन ड्राइव्स को करना होगा माउंट। माउंट करने के लिए हम दो डायरेक्टरीज को क्रिएट करेंगे, तो पहले मैं कंट्रोल एल की प्रेस कर देता हूँ, एम के डी आई आर स्पेस हाइफन बी वर्बोस के लिए, फोल्डर का नाम देता हूँ डिस्क टू एंड डिस्क थ्री, एंटर किया तो आपकी दो डायरेक्टरीज होगी क्रिएट रूट पार्टीशन पर डिस्क टू और डिस्क थ्री नाम से। इसके बाद हम यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट करेंगे बी एल के आई डी, एंटर किया। ये कमांड आपको बताती है कि आपकी कौन कौन से ड्राइव्स फॉर्मेट हो चुके हैं। उन ड्राइव्स की आपको मिलेगी यू यू आई डी। यू यू आई डी की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल यूनिक आइडेंटिफायर। तो यहाँ पर आपको मिल रहा है कि आपका जो एंड ड्राइव है और जो आपका वी ड्राइव है ये दोनों फॉर्मेटेड हैं, और ये है इसकी यूनिवर्सल यूनिक आइडेंटिफायर वैल्यू, और फाइल सिस्टम है आपका ext4। ये दोनों नाम आपको चाहिए होंगे जब आप अपने ड्राइव को करेंगे परमानेंट माउंट। तो मैं यहाँ से एक यू यू आई डी को कर लेता हूँ कॉपी, तो उसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करा तो ये कॉपी हो गया। कंट्रोल एल की प्रेस करता हूँ, टाइप करेंगे विम स्लैश etc स्लैश fs टैग, एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे आपके सामने एरर आ गया कि विम कमांड नॉट फाउंड। तो बाय डिफॉल्ट आप लिनक्स CLI यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं vi एडिटर का, या आप इंस्टॉल कर सकते हैं विम को। तो अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं yum इंस्टॉल विम स्पेस माइनस वाई, एंटर किया तो आपका विम पैकेज हो गया इंस्टॉल। कंट्रोल एल, फिर से मैं अपनी लास्ट कमांड को एग्जीक्यूट करता हूँ विम स्लैश etc स्लैश fs टैब, एंटर किया तो ये फाइल आपकी ओपन होगी। इस फाइल के अंदर कुछ भी आपको टाइप करने के लिए पहले जाना होगा इंसर्ट मोड में। इंसर्ट मोड में जाने के लिए आप यहाँ पर प्रेस करेंगे आई की का, तो मैंने प्रेस किया आई, लाइन के लास्ट में जाएंगे, एंटर प्रेस किया। यहाँ पर आपको एंटर करनी होगी आपकी आईडी, तो आईडी मैंने कॉपी की थी उसको मैं ऐसे कर देता हूँ पेस्ट। ये हो गया मेरा सोर्स, यानी कि मैं इस ड्राइव को यानी कि इस वॉल्यूम को मैं माउंट करना चाहता हूँ स्लैश डिस्क टू नाम की डायरेक्टरी में, टैब की प्रेस की। फाइल सिस्टम देना होगा आपको, फाइल सिस्टम था मेरा ext4, टैब की प्रेस की। यहाँ पर हम टाइप करेंगे डिफॉल्ट्स, टैब की 0 space 0, एंटर किया। या आप एंट्री ऐसे भी कर सकते हैं स्लैश dev स्लैश xvdv, ये मेरी सेकंड डिस्क है, टैब की प्रेस की। इसको मैं माउंट करना चाहता हूँ डिस्क 3 नाम की डायरेक्टरी में, टैब किया। फाइल सिस्टम था हमारा ext4, टैब की। डिफॉल्ट्स, टैब किया 0 space 0। फाइल को सेव करने के लिए आप प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से एस्केप की, कॉलन wq यानी कि राइट एंड क्विट, एंटर प्रेस किया। यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट करते हैं lsblk, एंटर किया। और तो अभी यहाँ पर आपका जो वी ड्राइव है ये अभी किसी भी प्लेस पर माउंटेड नहीं है, और ना ही आपका एंड ड्राइव कहीं पर माउंटेड है। तो उसके लिए हम यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट करेंगे माउंट स्पेस माइनस ए, एंटर किया
तो आपके सामने ये एरर मैसेज आ गया। एरर मैसेज आया है आपका एक्स वी डी बी डिवाइस के लिए, तो ये ड्राइव हमने वैसे भी यूज़ नहीं किया, तो हमें इसे कर देंगे इग्नोर। फिर से कमांड एग्जीक्यूट करेंगे एल एस बी एल के, एंटर किया। तो अब आपकी जो एक्स वी डी एन ड्राइव है ये माउंटेड है स्लैश डिस्क टू नाम की डायरेक्टरी में, और एक्स वी डी वी ड्राइव माउंटेड है आपकी डिस्क थ्री के अंदर। माउंट माइनस ए कमांड जो मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट की, इस कमांड का मतलब होता है कि आपके सिस्टम के अंदर जो भी आपकी एफ एस टैब के अंदर एंट्रीज अवेलेबल है उसको ये एक बारी फिर से रीमाउंट कर दे। इसलिए हम माउंट माइनस ए कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं। अगर आप इस कमांड को एग्जीक्यूट नहीं भी करेंगे, अपने सिस्टम को आप रिस्टार्ट करेंगे, तब भी आपके जो ड्राइव्स होंगे वो जाएंगे माउंट। तो अभी मेरे दोनों ड्राइव्स हो चुके हैं माउंट। अब हम इन दोनों ड्राइव्स के अंदर कुछ डाटा को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं अपने डिस्क टू नाम की डायरेक्टरी में, तो यहाँ पर टाइप करेंगे सी डी स्पेस स्लैश डिस्क टू, एंटर किया। यहाँ पर हम कुछ क्रिएट करते हैं अपनी फाइल्स, तो फाइल्स क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ टच कमांड, टच दीपक। मैं एक से लेके 10 तक फाइलें क्रिएट करता हूँ डॉट टी एक्स टी एक्सटेंशन के साथ, एंटर किया। एलर टाइप करते हैं, तो ये फाइल हो चुकी क्रिएट। अब हम कुछ डायरेक्टरीज को क्रिएट करते हैं डिस्क थ्री नाम के माउंट पॉइंट में। तो यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट करेंगे सी डी स्लैश डिस्क थ्री, एंटर किया। पहले कुछ फोल्डर बनाता हूँ, एम के डी आई आर माइनस बी यानी कि वर्बोस। फोल्डर का नाम देता हूँ डाटा, वन से लेके फाइव तक, एंटर किया। तो आपके पांच फोल्डर हो गए क्रिएट। कुछ फाइल्स क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टच कमांड, टच फाइल वन डॉट टी एक्स टी, एंटर किया। इस फाइल में कंटेंट लिखते हैं विद द हेल्प ऑफ एको कमांड, एको दिस लैब इज फॉर इंस्टांस स्टोर, सेव करता हूँ इसको फाइल वन के अंदर, एंटर किया। रीड करते हैं फाइल को, कैट फाइल वन, एंटर किया। तो आपका डाटा हो गया राइट। अब हम अपने इंस्टांस को करेंगे रीस्टार्ट, और रीस्टार्ट करने के बाद चेक करते हैं कि मेरा डाटा परसिस्ट रहता है कि नहीं रहता। तो उसके लिए मैं यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट करेंगे रीबूट, एंटर किया। तो आपका कनेक्शन लॉस्ट हो गया। फिर से चलते हैं अपने AWS कंसोल पर, कंसोल पे आ गया, रिफ्रेश करते हैं। इसे रीस्टार्ट होने में 2 मिनट लगेंगे, तब तक हम वेट कर लेते हैं। जब आप अपने इंस्टांस को करते हैं रीस्टार्ट, तो आपका पब्लिक आईपी कभी भी चेंज नहीं होता। तो पब्लिक आईपी मेरा सेम रहेगा, प्राइवेट आईपी भी आपका रहता है सेम। लेकिन जब आप अपने इंस्टांस को पावर ऑफ करेंगे, तो आपका पब्लिक आईपी हो जाएगा रिलीज। लेकिन हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं अपने इंस्टांस स्टोर को, तो जब आप यहाँ पर अपने इंस्टांस को पावर ऑफ करेंगे, तो वो हो जाएगा अपने आप ही टर्मिनेट। फिर से चलते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट पर, क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन CLS से। फिर से अपनी लास्ट कमांड को करते हैं एग्जीक्यूट SSH वाली, एंटर किया। तो आपका इंस्टांस हो गया एक्सेस। फिर से चलते हैं अपने रूट यूज़र पर, तो sudo space su, एंटर किया, रूट यूज़र पे आ गया। कंट्रोल L, LSBL की कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आपकी दोनों डिस्क हैं अभी भी माउंटेड, डिस्क टू और डिस्क थ्री। चेक करते हैं कि डाटा मेरा परसिस्ट है कि नहीं है। तो उसके लिए कमांड एग्जीक्यूट करेंगे सी डी
स्लैश डिस्क टू, एंटर किया, एलएल कमांड को एग्जीक्यूट किया तो डाटा आपका परसिस्ट है यानी कि अवेलेबल है। दूसरी डिस्क को भी चेक करते हैं, सीडी स्पेस स्लैश डिस्क थ्री, एलएल कमांड, एलएल का मतलब है लॉन्ग लिस्ट, ये डाटा भी है आपका परसिस्ट। कंटेंट चेक कर लेते हैं फाइल का विद द हेल्प ऑफ कैट कमांड, कैट स्पेस फाइल वन डॉट txt। तो मेरा यहाँ पर डाटा है परसिस्ट यानी कि रिबूट करने के बाद भी आपका कंटेंट है सेव्ड, लेकिन जब आप इसे पावर ऑफ करेंगे तो ये अपने आप ही हो जाएगा टर्मिनेट। तो चेक करते हैं इसे पावर ऑफ करने के बाद, तो यहाँ पे आपको टाइप करना होगा पावर ऑफ, एंटर किया तो आपका कनेक्शन हो गया लॉस्ट। वापस चलते हैं अपने AWS कंसोल पर, तो अभी यहाँ पे दिखा रहा है आपको रनिंग, इसे यहाँ से करते हैं रिफ्रेश, तो अभी आपका इंस्टांस हो रहा है शटडाउन। रिफ्रेश करते हैं, अभी शटिंग डाउन मोड में ही है ये। तो इसके अंदर है आपकी 24 ephemeral की डिस्क, तो इसे पावर ऑफ होने में 1 या 2 मिनट लग सकते हैं। तो देखिए ये अपने आप ही हो गया टर्मिनेटेड। इंस्टांस को करते हैं यहाँ पर सिलेक्ट, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका पब्लिक आईपी हो गया रिलीज और प्राइवेट आईपी भी हो चुका है आपका रिलीज, यानी कि जब आप अपने इंस्टांस को टर्मिनेट करते हैं तो ये अपने आप ही हो जाते हैं रिलीज। लेकिन मैंने अपने इंस्टांस को टर्मिनेट नहीं किया, मैंने उसे किया है पावर ऑफ, लेकिन ये इंस्टांस स्टोर है तो इसमें जब आप अपने इंस्टांस को पावर ऑफ भी करोगे तो वो अपने आप ही हो जाएगा टर्मिनेट। दैट मीन्स पावर ऑफ होने के बाद आपने जो भी डाटा अपने इस ephemeral के अंदर सेव किया होगा वो आपको वापस नहीं मिल सकता, और ना ही आप अपनी इन डिस्क को डीअटैच करके किसी और इंस्टांस में कर सकते हैं अटैच। अगर आप इंस्टांस स्टेट में जाके चेक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आएगा सिर्फ टर्मिनेट इंस्टांस का, लेकिन आपका जो इंस्टांस था वो पहले ही हो चुका है टर्मिनेटेड। चलते हैं अपने EC2 डैशबोर्ड पर, डैशबोर्ड पर जाने के बाद आपको यहां से अपने सिक्योरिटी ग्रुप को करना होगा डिलीट। ये आपके लिए एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप जो भी अपने AWS क्लाउड पर जो भी प्रैक्टिकल आप परफॉर्म करें, परफॉर्म होने के बाद आपके पास जो भी उसका डाटा हो उसे आप कर दें फ्लश। तो डिलीट करता हूँ सिक्योरिटी ग्रुप्स को, डिलीट किया, EC2 डैशबोर्ड में गया, की पेयर को भी कर देंगे डिलीट, सेलेक्ट किया, एक्शन में डिलीट, यहाँ भी आपको टाइप करना होगा डिलीट, डिलीट किया। फिर से चलते हैं अपने EC2 डैशबोर्ड पर, अभी आपको यहाँ पर की पेयर और सिक्योरिटी ग्रुप में 2 दिखा रहा है, इंस्टांसेस में आपको 1 दिखा रहा है, तो इंस्टांसेस भी एक बार चेक करते हैं। तो इंस्टांस है आपका टर्मिनेटेड। अब हम एक बार यहाँ पर वापस जाते हैं EC2 डैशबोर्ड पर और इसे यहाँ से करते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है सिक्योरिटी ग्रुप 1 जो कि आपका डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप है, इंस्टांसेस में अभी भी आपको 1 शो हो रहा है क्योंकि आपका एक इंस्टांस अवेलेबल है लेकिन आपका रनिंग इंस्टांस कोई भी अवेलेबल नहीं है। इस तरह से हम यूज़ करते हैं अपने इंस्टांस स्टोर को टेम्परेरी स्टोरेज के लिए। इसके अंदर मैंने कोई भी डिस्क को मैन्युअली अटैच नहीं किया, जब मैंने इंस्टांस को क्रिएट किया तो उसी के अंदर आपको अवेलेबल हुई आपकी ephemeral डिस्क 0 से लेकर 23 यानी कि टोटल 24 आपको डिस्क अवेलेबल होगी।
फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इसे दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।